इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखें। क्या टिकटॉक पाकिस्तान में बहाल होने जा रहा है? इस सवाल ने सोशल मीडिया पर अपना एक स्पेस बना लिया है। इस प्लेटफॉर्म पर हर कोई आना नहीं चाहता क्योंकि टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इंतहा की बेहूदगी और बेशर्मी की बुनियाद पर वीडियोस शूट की जाती हैं। लेकिन पाकिस्तानी कौम बहुत सियानी है, कहीं ना कहीं से मसले का हल निकाल ही लाती है। टिकटॉक को पाकिस्तान में बैन कर दिया है लेकिन अब भी पाकिस्तान में बहुत से लोग प्रॉक्सी और वीपीएन के जरिए टिकटॉक यूज कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम खवातीनो हजरात, मैं हूं फरहान नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल फरहान नियाजी ऑफिशियल। क्या टिकटॉक पाकिस्तान में बहाल होने जा रहा है? इस सवाल ने सोशल मीडिया पर अपना एक स्पेस बना लिया है। नाजरीन, टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर किस्म का बंदा आराम से अच्छे खासे लाइक और अच्छे खासे फॉलोवर्स गेन कर सकता है। लेकिन असल मसला ये है कि इस प्लेटफॉर्म पर हर कोई आना नहीं चाहता क्योंकि टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इंतहा की बेहूदगी और बेशर्मी की बुनियाद पर वीडियोस शूट की जाती हैं। मैं सबको नहीं कह रहा, जिस तरह पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती उसी तरह से सब टिकटॉकर्स भी एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि एक गंदी मछली सारे के सारे तालाब को गंदा कर देती है। इसी तरह से कुछ टिकटॉकर्स जो गंदी मछली की तरह हैं, उन्होंने भी सारे के सारे टिकटॉक को गंदा कर दिया है। टिकटॉक पर पोइट्री, कोटेशंस, हमद, नात, इस तरह की और भी वीडियोस जो अखलाक के दायरे में शामिल होती हों, अगर इस तरह की वीडियोस अपलोड हों तो बिलखसूस एक मुस्लिम कंट्री के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। लेकिन टिकटॉक पर क्या कुछ होता है और क्या कुछ नहीं होता है ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। बहरहाल अगर बात करें कि क्या ये खबर सच है कि पाकिस्तान में एक बार फिर टिकटॉक को बहाल होने जा रहा है, इसका जवाब है नहीं। फिलहाल इस बात में कोई सदाकत नहीं है। फिलहाल टिकटॉक को पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर बैन किया हुआ है और टिकटॉक को पाकिस्तान में फौरी बैन करने का आर्डर चीफ जस्टिस ऑफ पिशावर ने दिया था और कहा था कि इस प्लेटफॉर्म पर बेहयाई बढ़ती चली जा रही है। टिकटॉक के प्लेटफॉर्म का पाकिस्तान में बहाल रहना मुआशरे को अपने हाथों से गुमराही के खड्डे में धकेलने के मुतरादिफ है। लेकिन पाकिस्तानी कौम बहुत सियानी है, कहीं ना कहीं से मसले का हल निकाल ही लाती है। टिकटॉक को पाकिस्तान में बैन कर दिया है लेकिन अब भी पाकिस्तान में बहुत से लोग प्रॉक्सी और वीपीएन के जरिए टिकटॉक यूज कर रहे हैं। लेकिन मैं पर्सनली तौर पर टिकटॉक के बैन होने पर दिल्ली तौर पर मुतमईन हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान में टिकटॉक पर बैन है, आपकी इस पर क्या राय है? हमें अपनी राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।